हमने अपनी बौद्धिकता के स्तर से जांचना चाहा? नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा यन मनसा अगोचरम। भगवान शंकर के लिए क्वचित प्रार्थना मिलती है, कहीं प्रार्थना मिलती है, थोड़ा आप भी सुन लें। अप्रमेय त्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्तये मनोगिराम विदुराय श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। मनोगिराम विदुराय, ब्रह्मा जी इस बात को भूल गए कि उस तत्व को जा सोई जाने जेहि देय जनाई यमय वेश ब्रुड़ते। इस बात को, इस सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी भूल गए। अपने स्तर से जानना चाहा, अपने स्तर से जानने की सोच में ब्रह्मा जी अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं, अपने आप में ही वो जैसे ठग लिए गए हों। आखिर क्या करते, सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए, बड़ी गलती हुई, क्षम्यताम, स्तुति करने लगे। देर नहीं लगाई ब्रह्मा जी ने, और कुछ कहना उचित नहीं समझा, सीधा स्तुति करना शुरू कर दिया। क्योंकि अजाकर खड़े हो जाए, थोड़ी भी देर हो जाए तो पूछ परछ की बात हो जाए, मौका ही नहीं दिया, सीधा स्तुति करना शुरू कर दिया। नौमीड्यते भ्रबपुषे तडिदंबरायो गुंजावतंस परिपिच्छिल सन्मुखायो वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाढ़ वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। ब्रह्मा जी नवमीड्य तेभ्र वपुषे, भगवान कैसे हैं, अभ्र वपुषे नीत नूतन जलधर रुचये। आपने एक शब्द सुना है निरभ्र आकाश। अभी शरद ऋतु आने वाली है, जब शरद ऋतु आएगी तो इसी के साथ आपको निरभ्र आकाश में रात में चमकते हुए तारे दिखाई पड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सचमुच शरद ऋतु की प्रतीक्षा में हैं। आकाश बादलों से घिरा हुआ हो तो बादल कैसे, नीत नूतन जलधर रुचये। मूल क्या है, मौलिक रूप क्या है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। मेघ वर्णम शुभांगम, ये जो मेघवर्णी है वही तो यहां आ गया है, तो अपनी मौलिकता के साथ आया है। देखो तुम्हारा रंग कमजोर न पड़ जाए, ये ख्याल रखना। जब प्रेम का रंग चलता है, भक्ति का रंग चढ़ता है, तो तुम्हारी भक्ति का रंग कहीं कमजोर न पड़ जाए। तुम्हारे जीवन के साथ जुड़े हुए तुम्हारी चारित्रता की पहचान अपने आप में कभी मंद न पड़ जाए, कहीं कमजोर न हो जाए, इसके लिए ख्याल रखना होगा। ध्यान देना सज्जनों, जो मेघ वर्णम शुभांगम है वही यहां पर भगवान कृष्ण का रंग है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नवमीड्य तेभ्र वपुषे
हे नीलवदन, नूतन नए मेघ के समान, नए मेघ के समान जिसमें अभी जल आया हो, जितना वह प्रीतिकर लगता है गर्मी के बाद नवीन मेघ मंडली अगर चारों तरफ छा जाए तो आपको बड़ा प्रीतिकर लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अभ्र वपुषे, अभ्र वपुष, वपुह कहते हैं शरीर को, तुम्हारा शरीर कितना अद्भुत है, सुंदर है, कैसा इसका रंग है, उसको इस बात से कहा। तदिदंबरायो गुंजा वतंस, अच्छा आपका सौंदर्य कैसा है, मेघ में आपने कभी चमकती हुई बिजली देखी है, नहीं देखी, सबने देखा है, क्या अद्भुत सौंदर्य, तेजो तेजोमय व्यक्तित्व, उस मेघ मंडल में मानो बिजली किस रूप में, पीतांबर के रूप में। अंबराय गुंजा वतंस परिपिच्छिल सन्मुखाय, कानों में बड़े कोई कीमती कुंडल, कहते हैं वो तो है ही है, लेकिन गुंजा वतंस, घुंगुची देखा है ना, घुंगुची मानो कुंडल में शोभायमान हो रही है, ऐसे वन्यस्रजे वनमाला, वन्य फूलों की माला जिसके गले में सुशोभित है, कवल वेत्र विषाण पेड़ु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांगदाय। भगवान कृष्ण को यहां पर पशुपांगद शब्द से संबोधित कर नमस्कार किया है। नमस्कार करते हैं पशुपांगज शब्द से। पशुपांगज का अर्थ क्या हुआ, पशुपालक का जो पुत्र हो, पशुपांगज, पशुन पात इति पशुपहा, उनके शरीर से जो जायमान हो वो हो गया पशुपांगज। पशुपांगज का मतलब हो गया नंद नंदन। दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, वसुदेव के संदर्भ में अंग अंग का अर्थ है मित्र, जो नंद बाबा के मित्र हैं, उनके जो आत्मज हैं, उनसे जायमान जो हैं, वो आप हैं, दोनों ही अर्थों में। इसके साथ ही बहुत सी अपनी अर्थ की कल्पनाएं हैं, पर मौलिक रूप में पशुपांगज का अर्थ यही है। हे पशुपांगज, आप कहां बैकुंठ में रहने वाले, आज लीला भूमि में तो आप पशुपांगज बन गए। और भी अर्थ कर सकते हैं, ध्यान दें सज्जनों, ये संसार जब उसकी लीला भूमि बना तो मानो पशुत्व यानी भोग वृत्ति को पोषित करने वाला, पालित करने वाला और उसमें चलने वाला जो जीव है, जीव का साधक है, जीवत्व का साधक है मित्रवत अज्ञान, मानो अज्ञान की कक्षा में लीला के व्याध से किसी का जन्म हुआ हो। अरे छांछ के पीछे इतना रसिक बन जाना, मिट्टी कभी खाने लगना, ये सब क्या है,
जैसे एक अज्ञानी कक्षा का व्यक्ति करता हो, ये सब तुम में देखकर क्या कहूं, मैं तुम्हें समझ ना पाया। आखिर में ब्रह्मा जी ने बड़ी ही भाव भरी भाषा में एक बात की है कि तुमको कौन समझ सकता है। अंतर्भवे नंत भवंतमेव ह्यतत्यदंतो मृगयन्ति शन्तः असंतमप्यंत महिम मंतरेण संतम गुणम तम किमु यंति संता। कोई योगी जन तुमको समझ लेते हैं, और इससे भी ज्यादा कहें कि तुमको समझने के लिए भगवान भक्त से बढ़कर, भक्त जब भक्ति के मार्ग से आपको समझता है, उस मार्ग से बढ़कर के सरल और कुछ नहीं है। ना तो मैं आज पाता हूं कि भक्त बन पाया, और आज पाता हूं कि न मैं सफल ज्ञानी ही रह सका, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान के साथ चलते हैं। ब्रह्मा जी शास्त्रों को अपने हाथ में रखते हैं, शास्त्र के अधिकारी हैं। लेकिन आज मेरा शास्त्र ज्ञान लौकिक व्यवस्था में तो मुझे चलाता रहा, लेकिन आपके स्वरूप को जानने के संदर्भ में मेरे काम नहीं आया, इसलिए मैं पाता हूं कि मैं ज्ञानी की कक्षा में भी विफल हो गया। ज्ञानी की तरह से अपने आप को मैं देख नहीं पाता, क्योंकि आपको नहीं समझ सका। भक्त की कक्षा से भी मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि मैं भक्त तो हूं ही नहीं। एक बात कहते हैं, अगर मेरा फिर से जन्म हो ना, और मैं चाहता हूं कि कहीं जन्म हो जाए, और हो सकता है, मेरी आयु तो पूरी होगी, ब्रह्मा की आयु तो बहुत बड़ी है, एक कल्प उनका एक दिन है, लेकिन आयु का कहीं ना कहीं अंत तो है। और जब मेरी आयु पूरी होती है ब्रह्मा की हैसियत से, तब मेरी इच्छा क्या है? तदस्तुमेनाथ सभूरि भागो भवे भवे त्रवान्यत्र तु वातिरश्चाम ये नाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोति धन्या ब्रजगौरमण्या स्तन्यामृतम् पीतमतीवते मुदा याशां विभो वत्सदरात्मजन्मना यतृप्तैद्यापि न चालमध्वगा। अगर मेरा किसी पशु पक्षी के रूप में भी जन्म होता है, तो इस वृंदावन की भूमि में जन्म हो जाए। सार सार बात बोल रहा हूं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन ब्रजवासियों का भाग्य क्या कहा जाए, कितना ऊंचा भाग्य है कि जिनका मित्र पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, वही आज इस आपके रूप में मित्र बन चुका है, उनके बीच में आज वह क्रीड़ा कर रहा है। इस तरह के शब्दों से ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए शांत हो जाते हैं और
भगवान क्या कहेंगे। जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो महाजन यही कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो कहते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। ये भी नहीं कहते कि अच्छा हो गया सो हो गया, कहते हैं कोई बात नहीं, बल्कि वो ये जानने लगते हैं क्या हुआ मुझे बराबर ख्याल भी नहीं है। ये महाजनों की बात है, तब भगवान की तो बात ही क्या कहनी। इधर कंस की योजना के तहत धेनुकासुर अपने प्रयास को आजमाना चाहता है। धेनुकासुर गर्दव किसी समय मौका पाकर के वो आता है और भगवान को अपने लातों के प्रहार से खत्म करने की योजना रखता है, लेकिन वह भूल गया। जैसे ही लात उठाता है, पकड़ के लात उसी को पछाड़ दिया है। इधर कुछ गोप यमुना के तट पर जाते हैं, प्यास लगी हुई थी, पानी पिया, और पानी पीने के साथ साथ पानी जहरीला था और इसी के साथ उनकी मृत्यु हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको नया जीवन दिया है, लेकिन देखा कि ये जहर है कहां। पता चला कि यमुना के एक विशेष क्षेत्र में, प्रवाह के विशेष क्षेत्र में काली नाग रहता था, काली नाग दुर्धर्ष था और ऐसी जगह रहता था कि वहां पर गरुड़ भी नहीं जा सकते थे, गरुड़ भी शापित थे। अगर गरुड़ जी चले जाएं तो नहीं जा सकते थे, किसी ऋषि ने उनको साप दे दिया था कि यहां अगर तुम आए तो तुम्हारा अंत है। ऐसे उस सुरक्षित क्षेत्र में काली नाग रहता था और जब उसको यह निश्चित हो गया कि अब मेरा कोई बाल बांका तो कर नहीं सकता और बाल बांका तो गरुण ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं आ सकते, उन्मत्त हो गया, अपनी पत्नियों के साथ परिवार के साथ वो रहता है। और भगवान कृष्ण ने देखा और काली नाग का उन्होंने वध किया है। कहते हैं पूर्व जन्म में स्वायंभू मन्वंतर की एक छोटी सी कथा है। वेदशिरा विंध्याचल में तपस्या कर रहे थे और वहां पर एक दूसरा ऋषि मुनि, ऋषि कह दें, अश्वशिरा नाम का आता है। अधिकार की व्यवस्था में हमेशा ही अहम टकराव की बात करता रहा है, ईर्ष्या और द्वेष और अमर्ष, ये कभी कभी सुप्त रूप में हमारी ऋषि मुनि मंडली में भी देखे गए हैं। वेदशिरा ने कहा कि भाई मैं आया हूं एकांत के लिए और तुमको तपस्या में बैठना ही है तो दूसरी जगह बैठ जाओ। अश्वशिरा ने कहा सब ही भूमि गोपाल की, मुझको तो यही जगह अच्छी लगती है, धरती पर किसी का अधिकार नहीं है। थोड़ी देर के लिए अधिकार हम अपने घरों में कह सकते हैं कि मेरा घर है। ध्यान दें सज्जनों, विवाद हो गया और उस विवाद में अश्वशिरा ने साप दे दिया कि तुम सर्प जैसी विषधर
कक्षा में हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो बातें निकलती हैं बड़ी ही जहरीली हैं, इसलिए तुम सर्प हो जाओ। वह वेदसिरा सर्प हो गया है। वेदसिरा ने कहा, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा साप दे डाला, ठीक है अब हम सर्प तो बनेंगे ही, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन, बात यह है, हो सकता है अससिरा बाहर से भी थोड़ा काले रहे हो, इसलिए कह दिया तुम्हारा अंदर और बाहर दोनों ही रंग काला है, इसलिए तुम कौवा बन जाओ। और वह अससिरा काकभुसुंडी बन जाता है, और वही वेदसिरा यहां पर कालीनाग बन जाता है, और प्रार्थना करने पर शाप से मुक्ति का उपाय बताया कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का तुम्हें दर्शन मिलेगा, उनके हाथ से तुम मुक्त हो जाओगे शाप से। वही वेदसिरा कालीनाग के रूप में है। कालीनाग का उद्धार जो यमुना के एक विशेष जगह पर था वह होता है, के साथ एक दिन प्रलंबासुर कंस की योजना के अंतर्गत अपना एक षड्यंत्र बनाता है, गोपों के बीच में गोप बनकर के आ गया, और गोपों के बीच में जब गोप बनकर के आया है तो सत्य कभी छिपता नहीं है, और सत्य के सामने, ईश्वर के सामने, परम सत्य के सामने तो झूठ छिपता ही नहीं है। प्रलंबासुर का वध भगवान के द्वारा हुआ है। अचानक एक दिन जहां पर ये गोचारण की लीला चलती है उस प्रदेश में एक जंगल है मूंज का। आपने मूंज का नाम सुना होगा, मूंज मेखला। पहले मूंज की मेखला बनती थी, आज भी मूंज बहुत पवित्र माना गया है। मूंज का जंगल है जिसमें कुश की समझ के लिए बात है, कुश की समानांतर प्रजाति में एक घास होती है, कांस जैसी होती है, और उसमें एक सलाई लगती है और उसमें फूल से देखते हैं, उसे कहते हैं मूंज। भगवत पाद आचार्य शंकर ने भी मुंजा दिशिका इव ऐसा कह करके प्रयोग किया है। जो कुशल व्यक्ति है मूंज से इसीक को बड़ी आसानी से तोड़ करके अलग कर देता है, और मूंज से अलग कर देने पर वह घास की व्यवस्था से परे है, अलग है, उससे मुक्त है। तो उसी मूंज के जंगल में आग लग गई, भगवान ने अग्नि का शमन किया है, और इसी के साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु का आगमन, आज आइए हम सब लोग शरद ऋतु में यात्रा करें। आपको पता है कहीं कहीं पर आज भी शरद ऋतु की पूर्णिमा को रात में कुछ विशेष जागरण और उत्सव मनाया जाता है। ततः प्रावर ततः प्रावृट सर्व सत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित नभस्तला। आकाश उस समय कैसा लग रहा है, शांद्रत लीलांबु दैर्व्योमो सविद्युत स्तनयुत्निभि अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव शगुणं बभौ। आकाश शांद्र लीलांबु दैर्व्योमो
ये आकाश जो मेघ से आच्छन्न रहा करता था, जिसमें बिजली भी चमकती रहती थी, अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव शगुणम बभौ। आकाश अपने निर्मल स्वरूप में मेघ मंडली के कारण पूरा पूरा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही बादल छंट जाते हैं उसी के साथ आकाश निर्मल रूप से अपने आप में दिखाई पड़ने लगता है। जब शरद ऋतु आई तो इसी के साथ भगवान सोचते हैं कि चलो दिन में तो चलते ही थे, अब रात को भी थोड़ा चलना चाहिए। दिन में तो क्रीड़ा होती ही थी, अब थोड़ी रात में भी कुछ विशेष क्रीड़ा और लीला होनी चाहिए। ध्यान देना सज्जनों, शरद ऋतु की रातों में भगवान दूर थोड़ा हटकर चले गए। कल्पना करिए चांदनी की रात हो, यार आकाश शशि शोभना गत घना सा यामिनी यामिनी। रात्रि क्या है, कहते हैं अंधेरी रात नहीं। जिस रात में चांदनी चमक रही हो, सब कुछ स्पष्ट देखा जा सकता है। या राका शशि शोभना गत घना सा यामिनी यामिनी, कितनी आकर्षक मधुर रात होगी। और इसी के साथ मधुरादि पते रखिलम मधुरम, उनकी बंसी का नाद अगर अचानक सुनाई पड़ने लगे रात के सन्नाटे में। सज्जनों, अगर कोई आवाज होती है चुभने वाली तो बड़ी खटकती है, और इसी के साथ रात के सन्नाटे में और चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई हो और वेणु की मधुर मधुर बंसी का मधुर मधुर नाद सुनाई पड़ने लगे तो मुग्ध हुए बिना कोई रह नहीं सकता। उसी समय कहते हैं भगवान कृष्ण कैसे बाहर निकले हैं। कुसुमित बन राजी सुस्मि भ्रंग द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महिध्रम मधुपति रवगाह्यो चारयंगा सह पशुपारु बलाश्रुकूज वेणुम। शरद ऋतु का समय है, जिसकी रात भी सुंदर और दिन भी सुंदर, और भगवान रात्रि और दिन दोनों में एक समन्वय प्रस्तुत करते हैं। सज्जनों, क्यों? आप जब उनका पूरा नाम लेते हैं तब आप क्या नाम लेते हैं? श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। और बाहर जब जाते हैं तो उन्होंने वेणु बजाना शुरू किया। जब वेणु बजाना शुरू किया है तो वेणु की आवाज को सुनने के साथ तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की भावनाएं गोपनांगनाओं में उस समय उभरी हैं, आपस में चर्चा करती हैं, वेणु की महिमा की चर्चा करती हैं, वेणु नाद की मधुरता की चर्चा करती हैं, और इसी के साथ कृष्ण की
जो आकर्षक भाव भंगिमा है उसकी चर्चा करती हैं। जब वेणु बजती है तो क्या होता है, कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतयः स्मरन् उन्नशारा भृष्यत् प्रशून कबरा मुमुहुर विनिव्या। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतो पीयूष मुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मितस्थुर् गोविन्दमात्मनिदृशा श्रुकुला स्पृशन्त्या। गायें जब वेणु का गीत सुनती हैं, भगवान कृष्ण के मुख से बड़ी हुई बजी हुई बंसी और उस बंसी से निकली हुई मधुर ध्वनि जब गायें भी सुनती हैं तो कान खड़ी कर लेते हैं, मानो उस बंसी नाद की निकली हुई कानों को अमृत जैसी प्यारी लगने वाली जो ध्वनि है बड़ी दुर्लभ है। और वह दुर्लभ ध्वनि जब मिल गई तो गायें भी अपने कान खड़ी कर देती हैं। अच्छा, गाय ही नहीं, गाय के साथ जो उनके बछड़े हैं, जब बछड़े दूध पीने की सोच रहे थे तो दूध पीना छोड़ देते हैं। उनको मुंह लगाना चाहिए कहां, लेकिन उनका मुंह लग गया कहीं और जगह पर। क्यों? उस ध्वनि में इतनी मादकता है, इतनी मधुरता है कि गाय बछड़े भी होश हवास खो बैठे। तो कहते हैं ये जो ब्रजांगनाएं हैं इनकी क्या मानसिकता बनी, क्या हुआ, इस पर बहुत आपस में कल्पनाएं की हैं। वेणु गीत की महिमा। ध्यान दें सज्जनों, एक बात आपको और भी बताएं, आप बंसी बजाना तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई भी बाजा जब बजता है तो उस बजने में भी कोई गीत होता है, कोई ना कोई गीत होता है कि नहीं होता है। हमारी जब हारमोनियम चलती है तो हारमोनियम के साथ कोई ना कोई गीत छिपा होता है। यह हारमोनियम की आवाज आपको नचा सकती है, हारमोनियम के साथ अगर तबले की ताल बराबर पड़ जाए तो आप थिरक उठेंगे। हमारे वो कौन सा बोला था आपने भजन उस दिन, बाजा वाला, थोड़ा जरा सुना दो, अभी हम आपको नचा देते हैं। ये बाजा सदा नहीं बजता, ये तो बाजा दुर्लभ है, और जब बाजा आज सुनने को मिल रहा है तो उसको सुन लो, इसको समझ लो। भला उठा फिर
मानो। कोई भी बाजा जब भी बजा है तो उससे कुछ संदेश निकला है, ये आवाज का बाजा संदेश का कोई सुर, कोई सार्थक हमारे जीवन की चाल बदल दे, इसके लिए एक माध्यम है। जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती है, किसी ने कहा कोई भी बंसी बजा सकता है, कभी कभी लोगों ने प्रयोग किया कि चैन की बंसी। प्रश्न है कि कृष्ण बेचैन कब हुए हैं? कृष्ण की बंसी बजती ही रही, कभी बंद नहीं हुई। कृष्ण की मस्ती, कृष्ण की अपनी सहज मस्ती कभी खंडित नहीं हुई। चाहे ब्रज में उनकी बंसी हम देखें, चाहे महाभारत के युद्ध में उनकी हम बंसी देखें, और चाहे जरासंध का युद्ध है उस समय भी उनकी बंसी बजती है, जिसकी बंसी कभी बंद नहीं हुई, एक संदेश निकलता है। ये जीवन नश्वर है, ये जीवन प्रतिपल बदल रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अपरिवर्त्य है। इसको चलाने वाला, इसके पीछे कोई केंद्रीय तत्व अपने आप में शाश्वत है।
शाश्वत चेतना का संदेश लौकिक भूमि में अलौकिकता का संदेश मर्त जगत में किसी अमृतत्व व्यवस्था का देने वाला उपदेश विषमता और विसंगति में भी जिसके समता का सामंजस्य छरित न हुआ हो अपनी महिमा में जो हमेशा अक्षर रहा हो अच्युत रहा हो वह कृष्ण जब बंसी से कुछ संदेश देते हैं तो बड़ा दिव्य है। उनका हर कर्म दिव्य है, उनके उस कर्म में उनके मनोरंजन जब भी किसी के द्वारा संगीत गाया गया है सुनाने के लिए तो संगीत में निश्चित ही कोई मस्ती तो आधार में रही है।